पहुंच गए शादी पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देगे वगैरह जो हैं वो बन चुकी हैं, चावल जो हैं यहाँ पे बन गए। ये मीठे चावल हैं वो चावलों की देग है, और बाकी जो सबका सब ये गोश्त है। बाकी ऐसा कुछ ये इनका घर है, बैठे कोई कुल्फी वगैरह बेचने आए हैं, तो हम भी कुछ खाएंगे पियेंगे उसको। ये इनका है घर जी, गरीब सी फैमिली है। शादी तो बहुत ज़ोर से कर रहे हैं, इनके लड़के की शादी है, शाम को ये बारात लेके जाएंगे। तो हॉस्टल भी जो भी हैं काफ़ी आ ही रहे हैं। तो ये हैं पापड़ बेचने वाले। तो यहाँ पे रोटी जो है वो सबसे एक एक टेबल पे एक खाना परोसा जा रहा है। फाइनली यहाँ इस टेबल पे भी खाना आ चुका है, और ये गेस्ट भी आएंगे। सब लोग अभी स्टार्ट कर दिया है, सब लोगों ने खाना, और ये भी स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोगों के पास जो है खाना अब चला गया है, और जो भी इनके हॉस्ट आए हुए हैं वो खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। वेलकम अगेन माई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदू वेडिंग पे होने जा रही है। तो गाइस ये है दूल्हे साहब। नमस्ते, ठीक हो? काफ़ी हैप्पी हो आज? तो गाइस ये जो है ना वो पाकिस्तान में, तो ये आई थिंक इसका चुटिया कहते हैं इसे, और इंडिया में जो है वो तलवार रखते हैं। तो इसी के साथ जो पाकिस्तान में ये एक लोहे की सलाख होती है वो रखी जाती है, और इंडिया में जो है वो मैंने काफ़ी देखा यूट्यूब पे वीडियोस, तो इंडिया में जो है वो साथ में तलवार रखते हैं ग्रोम अपने, और पाकिस्तान में जो है वो यही कुछ छोटी सी एक छड़ी होती है लोहे की बनी हुई वो रखते हैं। तो इसके बाद जो है वो कहा गाइस जो भी बंदा खाना खा के चला जाएगा तो अपनी खुशी से कोई भी 500 देना चाहे, 1000 देना चाहे तो देगा, तो उसके उसको पाकिस्तान में आई थिंक न्यूंद्रा कहते हैं। वैस मेरे पापा भी जो है वो खाना खा रहे हैं, और एक्चुअली में हम घर में 3-4 भाई जो है, 2-3 बहनें और 2-3 भाई जो है वो हम मीट नहीं खाते। तो मैं तो एक्चुअली में गाइस सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए आया था कि आपको भी जो है वो यूट्यूब पे दिखा दें कि पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी हिंदू वेडिंग किस तरह होती है और क्या कुछ खाना वगैरह बनाया जाता है। तो इधर जो है वो कुछ सेलमैन भी आए हुए हैं अपनी अपनी, और क्योंकि वेडिंग है तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बंदे भी आए होते हैं, तो इनकी भी कुछ ना कुछ सैलरी जो है वो हो जाती है। तो गाइस इधर जो है वो खाना वगैरह जो है वो परोसा जा रहा है, और इधर से जो है वो ना कर ठहर दो तीन बंदे जो हैं वो खाना परोस रहे हैं, और इधर जो है वो सबके सब लगे पड़े हुए हैं। तो गाइस एक्चुअली में मैं जो है ना वो मीट नहीं खाता, तो मैंने जो है वो चावल खाए, तो मैंने जो चावल खा लिया, और एक्चुअली में मैं जो
देख लें मूवी लगी हो शादी का दसी भी तेई चाखे बड़ा जोर फंक्शन है शादी उधर जो है वो खाना वगैरह चल रहा है और जो भी देग वगैरह जो ख़त्म हो जाती है तो यहाँ से आते हैं दो बंदे उठा के ले जाते हैं। तो इधर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाना जो है अभी रिमेनिंग है अभी बचा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो बाइक्स वगैरह भी आई है बिकॉज पाकिस्तान में जो हिंदूज़ हैं ना वो ज़्यादा इतने रिचेज नहीं होते तो अपनी बाइक्स वगैरह जो है वो नहीं अवेलेबल कर पाते बाइक नहीं बल्कि कोई गाड़ी वगैरह बड़ी तो नहीं अवेलेबल कर पाते तो इसी वजह से जो है वो इधर जो है वो बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं और इधर जो है वो बुज़ुर्ग अपनी जो है वो गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। तो ये है गाइस शादी वाला घर और ये है मेरे नाना जी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड काइंडफुल। तो गाइस आप सोच रहे हैं कि वो वाला घर नहीं बल्कि ये वाला घर है शादी वालों का। तो अभी अगेन जो है वो मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से टेंट में। तो अभी जो है वो खाना वगैरह खा रहे हैं तो मैं जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया कि मैं मीट जो है वो नहीं खाता और इधर आई थिंक के कुछ और भी मीट बनेगा बिकॉज गेस्ट जो है वो ज़्यादा है और खाना जो है वो कम है। तो अंकल और बनेगा ऐसे बन रहा है गाइस अभी। तो गाइस गेस्ट जो है वो ज़्यादा है और खाना जो है वो कम है और इसलिए जो है वो खाना और बन रहा है। और उधर जो है वो मैं अभी तो नहीं जाऊंगा बाद में ही जाऊंगा उधर। तो हाँ एक बात है यार गाइस उधर जो है वो कोल्ड ड्रिंक चल रही है तो मैं जो है ना वो फटाफट से जाता हूँ उधर बिकॉज एक कोल्ड ड्रिंक ही मिल जाएगी। तो गाइस ये सामने खड़ा हुआ है डांसर और यहाँ का जो है ना वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हिंदू वेडिंग होती है उसमें जो है वो एक कस्टम ज़रूर होता है एक जो है वो रिवाज होता है कि जो भी जिस भी वेडिंग में जो है ना वो मीट चलाया जाता है तो वहाँ पे जो है ना वो मीट खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पिलाई जाती है। अगर पिलाई नहीं जाती तो गेस्ट जो है वो खुद ही लेके पी लेते हैं बट पीते ज़रूर है कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने तो जो है वो चावल का है तो मैं तो नहीं पीऊँगा। तो गाइस मुझे तो काफ़ी मिनट हो चुके हैं यहाँ से गए हुए और ये भाई साहब जो है वो अभी भी लगे पड़े हुए हैं।